with this marker, but my son writes with the same marker. Why I use here, I write and with my son, he writes. यानी एक बार मैंने राइट लगाया है और एक बार मैंने राइट्स लगाया है. व्हाट इज द डिफरेंस? कि दोनों मतलब वो भी लिख रहा है, उसका भी काम क्या है, एक्शन क्या हो रहा है, उसका काम लिखने का हो रहा है. सेम वर्क मैंने किया है तो सेम वर्क के लिए, सेम एक्शन के लिए मैंने एक बार राइट लिखा और एक बार राइट्स लिखा. ऐसा क्यों? सो गाइस, आई एम प्रीति, योर होस्ट एंड एजुकेटर, एंड यू आर वॉचिंग इजी वे टू लर्न विद प्रीति. Welcome back in your favorite channel, and today we are going to start the new topic, that is agreement of the work. Agreement किसके साथ? यानी work का agreement ये कैसी मतलब क्या है ये सब? तो ये doubt आज मैं आपका clear करूँगी. Agreement with the subject and number. यानी यहाँ पर हमारे work आपने देखा है, कुछ tenses में singular verb आती है, कुछ tenses में प्लूरल वर्ब आती. तो कहाँ सिंगुलर आएगी, कहाँ प्लूरल आएगी, ये कैसे डिसाइड होता है और किस तरीके से? क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ सिंगुलर लगाएं, यहाँ प्लूरल लगाएं, ये गलत हो जाएगा, वो ठीक, किस तरीके से, मतलब वो कंफ्यूजन में कभी कभी तो क्या करते हैं, क्रैम करते हैं या फिर ऐसे ही माइंड से तुक्का फिट करना होता है कि हाँ चलो एस लगा देते हैं या सिंगुलर लगा देते हैं, बट रीजन क्या है? तो आज इस डाउट को और इस फैक्ट को क्लियर करेंगे. चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज एग्रीमेंट ऑफ द वर्क. आज का फर्स्ट रूल जो है वो आप सबको रिमेम्बर रखना है. सबको इस बात का पता होना चाहिए कि जो वर्ब है हमारी, वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट एंड नंबर. कि जो हमारी वर्ब है, वर्ब क्या होती है? वर्ब एक्शन वर्ड्स, लाइक आई एम मूविंग, आई एम मूविंग, आई एम राइटिंग, आई एम कुकिंग, आई एम ईटिंग समथिंग. तो ये क्या है? जितना भी हम कोई भी काम करते हैं, एवरी थिंग, ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. तो जो वर्ब है हमारी, दैट शुड बी एग्री विद द सब्जेक्ट, विद द नंबर, सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. यानी जो भी है, सिंगुलर है, प्लूरल है, तो उसके साथ एग्रीमेंट तो करना पड़ेगा वर्ब को. अगर उन दोनों के बीच एग्रीमेंट नहीं होता है तो क्या होगा? दोनों का डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट होगा तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा. तो वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए जो है ये रूल है ग्रामर में, कि जो सब्जेक्ट है, वर्ब जो है हमारी, वर्ब मस्ट बी एग्री विद द सब्जेक्ट, वर्ब मस्ट बी एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. तो वर्ब जो है हमारी वो एग्री होनी चाहिए विद सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. तो विदाउट डिले कंटिन्यू लर्न दिस टॉपिक विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स. सो वी कंटिन्यू एंड स्किप करके नहीं देखेंगे वीडियो को, जो है एंड तक बने रहेंगे. और जो है एक एक टॉपिक को, एक एक जो पॉइंट है जो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ, उसको जो है क्लियर करेंगे आप. और इन एग्जाम्पल्स के अलावा भी आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे. आपका कहीं डाउट है, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. सो वी कंटिन्यू. एवरीबडी सी, लुक एट द बोर्ड, इट्स अ टॉपिक एग्रीमेंट ऑफ द वर्क. यानी मैंने अभी बताया है वर्क के साथ जो हमारा एग्रीमेंट होता है, दैट इज टूडेज टॉपिक. यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, द गर्ल सिंग्स, द गर्ल सिंग्स, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है द गर्ल सिंग्स, लड़की गाती है. द गर्ल्स सिंग, डिफरेंस दिखाई दिया आपको? गर्ल सिंग यानी यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है, लड़की गाती है, सिंग्स, वर्ब हमारी प्लूरल हो गई. नहीं, एस लगाने से प्लूरल नहीं बनता है, वर्ब के साथ एस लगाने से हमारी वर्ब सिंगुलर हो गई. यस, हर वर्ड के साथ एस लगाने से वो प्लूरल नहीं बनते हैं. इट इज नॉट अ नाउन, इट्स अ वर्ब. तो वर्ब के साथ जब एस या ई एस लगता है तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है. ठीक है, द गर्ल्स सिंग, गर्ल्स, ये देखिए ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ये वर्ब आपको सिंगुलर दिखाई दे रही है क्योंकि इसके साथ एस आई एस नहीं लगा, बट इट इज प्लूरल. यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल है, आई सिंग, आई के साथ क्या आया? आई सिंग. और यहाँ पर आया ही सिंग्स,
ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगा है, यहाँ पर एस या ईएस लगा है, लेकिन जब हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर होती है, और नहीं लगाते तो वो प्लूरल होती है। आई क्या है, हमारा प्लूरल होता है, तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ये सबको पता है। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, वोस, हैव, और यू के साथ वार, आर, यू हैव। तो ये तो टेंस में आपको सिखाया ही जाता है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने रूल अभी बताया भी था, द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, कि वर्ब जो है हमारी वो उसके सब्जेक्ट और नंबर के साथ एग्री होनी चाहिए, उनके बीच में पूरा मतलब एक एग्रीमेंट, समझौता जरूर होना चाहिए। यहाँ पर आपने देखा इन द फर्स्ट सेंटेंस सब्जेक्ट जो है गर्ल है, सिंगुलर नंबर है, इसीलिए जो हमारी वर्ब आई है वो भी सिंगुलर आई है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आई है। और यहाँ सेकंड सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, गर्ल्स, प्लूरल नंबर, तो प्लूरल नंबर के साथ हमारी वर्ब भी प्लूरल आ गई। क्लियर? सो देयरफॉर वी कैन से दैट द वर्ब टेक्स द सेम नंबर एज इट्स सब्जेक्ट, द वर्ब टेक्स द सेम नंबर एज इट्स सब्जेक्ट। देखिए वन मोर एग्जांपल इज आल्सो हियर, द चाइल्ड इज वेरी क्लेवर, द चाइल्ड इज वेरी क्लेवर। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज सिंगुलर, सिंगुलर है ये, तो इज भी क्या है हमारा, सिंगुलर वर्ब आया है। यहाँ पर सेम वही द चाइल्ड का हमने क्या बना दिया, दी चिल्ड्रन, तो ये क्या है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आ गया, प्लूरल वर्ब आ गई। तो जहाँ अभी मैंने जो रूल बताया इसको आपने पूरा फॉलो करना है, द वर्ब मस्ट एग्री, द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, यानी वर्ब का सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन कंटिन्यू रहेगा, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसी ही आपकी वर्ब आएगी। क्लियर? चलिए आगे करते हैं। नाउ सी इट जब एज अ सब्जेक्ट आता है, इट को जब हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, देन देयर विल बी ओनली सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, इट इज, ओके, इट इज हॉट टुडे, इट हैज बीन, तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब है और यहाँ भी सिंगुलर वर्ब है। तो इट के साथ जो है, इट को हम सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट करते हैं और होता भी है ये सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इट के साथ याद रखने हैं, ऑलवेज कम वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, सॉरी सिंगुलर फॉर्म, ओके। एक और इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को एंड से जब हम जोड़ते हैं, दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को जब हम एंड से ऐड कर देते हैं सेंटेंस में, जोड़ देते हैं, तो उनके लिए प्लूरल वर्ब आती है हमेशा। देखिए गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, हमने क्या किया, दो सिंगुलर है ये, गोल्ड भी सिंगुलर है, सिल्वर भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर सिंगुलर हमने दो नाउन को ऐड कर दिया एंड से, किससे ऐड किया, सॉरी किससे ऐड किया हमने, एंड से। तो एंड से जब हमने दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर वर्ब को हमने जो ऐड किया है सब्जेक्ट को, तो उनके साथ क्या आता है, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे हम, सिल्वर एंड गोल्ड, ई जाएगा और आर आएगा यहाँ पर, यस प्लूरल आर, उनके लिए प्लूरल वर्ब यूज होती है आर, गोल्ड एंड सिल्वर दो ऐड हो गई ना हमारी, आर प्रीसियस मेटल। ऐसे ही यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल है फायर एंड वाटर, अपोजिट है वैसे ये, फायर एंड वाटर डैश नॉट एग्री, यानी दोनों एक दूसरे को एग्री नहीं करते हैं, फायर एंड वाटर, तो दो सिंगुलर नाउन को या प्रोनाउन को जब ऐड करते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है, डू नॉट एग्री। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ दे आर प्रेजेंटिंग एंड पॉइंटिंग द सेम पर्सन और थिंग, यहाँ पर भी वही बात है और यहाँ पर भी बात है, लेकिन ये दोनों अपोजिट, दोनों ही अपोजिट चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी दोनों का कंट्रास्ट होता है, फायर और वाटर का, आग और पानी का कंट्रास्ट होता है, सोने और चांदी का भी कंट्रास्ट होता है, तो जहाँ पर आपको लग रहा है कि कंट्रास्ट की फॉर्म में आ रहे हैं नाउन और प्रोनाउन, जहाँ आपको लग रहा है कंट्रास्ट की फॉर्म में आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप प्लूरल वर्ब ऐड करेंगे, लेकिन जहाँ आपको लग रहा है कि दोनों ही
जो दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आ जाते हैं वो प्रेजेंट क्या कर रहे हैं या पॉइंट आउट क्या कर रहे हैं, सिमिलर पर्सन और थिंग, यानी एक जैसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, देन वर्ब विल सिंगुलर। तो ऐसी कंडीशन में वर्ब सिंगुलर आएगी आपकी। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड के ऊपर ही बटर लगता है तो ब्रेड एंड बटर का तो कॉम्बिनेशन होता है, ब्रेड एंड बटर डस हिज ओनली फूड, तो यहां आ जाएगी आपकी सिंगुलर वर्ब इज। ओना, ओनर एंड ग्लोरी, ओनर सम्मान, ग्लोरी शान होता है, तो ओनर एंड ग्लोरी डैश हिज रिवार्ड, तो यहाँ पर भी आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। ये दोनों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ के साथ जो भी मैंने चार्ट प्रिपेयर किया है आपके लिए। लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी, इधर निधर, ईच, एवरीवन, मैनी, आप के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। नीदर ऑफ द टू मैन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर आपकी देखिए सिंगुलर वर्ब आई है, नीदर आ गया, नीदर ऑफ द टू मैन यानी दोनों आदमियों में से, टू मैन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, दोनों में से जो है कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, नेगेटिव के लिए आता है नीदर नोर। एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइड, टू लव्स इज सिंगुलर वर्ब पेयर, एवरीवन आ गया, मैंने अभी बताया है इधर नीदर, ईच, एवरीवन, मैनी, इनके साथ आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। कुछ नाउंस का जो रूप होता है वो सिंगुलर जैसा होता है लेकिन उनका मीनिंग जो है वो प्लूरल फॉर्म में आता है, यानी दिखने के को तो वो सिंगुलर होती हैं लेकिन उनका जो मीनिंग है वो प्लूरल फॉर्म में आता है, ऐसे में आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे 12 डजन पोस्ट, यहाँ आया ना पोस्ट, 12 डजन यानी 12 दर्जन, कॉस्ट 100 रुपीज, 12 दर्जन का जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है। सेम एज आपकी जो कलेक्टिव नाउन आता है, कलेक्टिव नाउन आई थिंक सबको पता है हू रिप्रेजेंट द होल ग्रुप ऑफ द सेम नंबर, कलेक्टिव नाउन तो आई थिंक सबको पता है, मैंने नाउन का पूरा टॉपिक करवाया हुआ है पहले, विच आर रिप्रेजेंटिंग द होल नंबर, लाइक आर्मी, आर्मी इज द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब का आपका यूज होगा, जो कि एक पूरे जो एक पूरी एक ग्रुप को डिनोट करते हैं, यानी अलग अलग रूप से उनको ना दिखा के वो पूरा, उनके साथ हमेशा आपकी जो है प्लूरल वर्ब आएगी कलेक्टिव नाउन के साथ। चलिए गाइस कुछ एग्जांपल कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। अर्जुन एंड अनिल, अर्जुन एंड अनिल, यहाँ पर देखिए दो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट आ गए हैं, अर्जुन एंड अनिल डैश इन द पार्क, बताइए क्या आएगा, फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में, इज और आर, अर्जुन एंड अनिल डैश इन द पार्क, यस, दोनों को हमने एंड से ऐड कर दिया ना, तो ये प्लूरल आ जाएगा यहाँ पर, वेरी प्लूरल वर्ब आ जाएगी हमारी यहाँ पर। ही एंड आई डैश इन द सेम क्लास, अब वैसे तो सबको पता है कि आई के साथ तो एम आता है, बट इससे पहले हमने क्या एक और सिंगुलर वर्ब लगाई है ना, ही एंड आई, ही एंड आई डैश इन द सेम क्लास, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आर। Each boy and each girl, जहां पर आपका each boy, each girl आ जाता है, एंड से हम ऐड कर देते हैं तो वहां पर क्या आएगा, each boy यानी हर लड़का और हर लड़की, तो ये तो सिंगुलर ही रहे ना, each boy और each girl, ऐड तो किया है हमने एंड से, बट जो हमारी वर्ब सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, दोनों ही ऐड करने के बाद भी each जहां आ जाता है ना जिनके साथ, वहां हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी boys। Both the rooms, both the rooms, यानी दोनों ही कमरे, dash white washed, yes it's very easy, clear word, very easy, a few sip, कुछ भेड़, ship को sips नहीं लिखेंगे हम, a few sip, hard होता है इनका जो group होता है, a few sip, dash running about in the field, was और verb में से फटाफट बताइए, a few sip, dash, yes, a few sheep dash running about in the field, yes, यहाँ पर few आने की वजह से हमारे जो verb है that will also plural, तो I think guys आपका अब तो कोई doubt नहीं रहा है about the verb and subject agreement, तो guys ये था आज हमारा आज का जो topic था related to subject verb agreement।
तो आज हमने कंसेप्ट क्लियर किया है किस तरीके से कहाँ पर सब्जेक्ट के साथ जो है वर्ब का हमारा एग्रीमेंट किस तरीके से होता है, यानी हमारी जो सब्जेक्ट है वो कहाँ प्लूरल होता है तो किस तरीके से वर्ब प्लूरल आती है, जब सिंगुलर होता है तो किस तरीके से जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी, यानी इन दोनों के बीच में इतना प्यार है, इतना अच्छे से एग्रीमेंट है कि वो इतनी अच्छे से फ्रेंडशिप निभा रहे हैं, तो वही फ्रेंडशिप का जो कनेक्शन है वो मैं भी चाहती हूँ कि आप सब इजी वे टू लर्न विद प्रीति के साथ भी निभाइए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो है और भी कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आएंगे, जल्द से जल्द आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस तो छोड़नी नहीं है आपको, जो भी एग्जाम्पल आज मैंने किए हैं दिस आर वेरी फ्यू, तो आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कंटिन्यू आपको ये टाइम लिमिट अपनी फिक्स करनी पड़ेगी कि हाफ एन आवर या वन आवर आपको प्रैक्टिस के लिए देना होगा, तभी आप जो है थोड़ा सा मतलब रूटीन में अगर लेकर आएंगे तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब आपकी जो ग्रामर भी है वो भी इम्प्रूव होकर आएगी, और जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको थोड़ा सा ये फील होता है कि इंग्लिश तो आती है हमें बट जो है फ्लुएंसी नहीं बन पाती या हमारे जो कनेक्शन नहीं हो पाता है किसी के साथ, तो किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अकेले ही काफ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।